नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा ऑनलाइन शिक्षण में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत। आज हम जो है प्रश्नावली 1.1 हल करेंगे। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरिए। ए में दिया हुआ है 1 लाख। 1 लाख बराबर जो है कितने 10,000 होते हैं, तो हम 10,000 को जो है 10 बार लिखेंगे और फिर इनको जोड़ेंगे तो बराबर 1 लाख हो जाएगा। अर्थात 1 लाख बराबर 10,000। प्रश्न बी में 1 मिलियन। 1 मिलियन बराबर जो है कितने 100,000 होते हैं, तो 1 मिलियन बराबर 10,100,000 होते हैं। प्रश्न सी में दिया हुआ है 1 करोड़ बराबर 10 लाख। अब इसमें बताया गया है कि 10 लाख जो है कितने करोड़ के बराबर होता है, तो 10 जो है 10 लाख के बराबर 1 करोड़ होता है। डी में बताया है 1 करोड़ बराबर कितने मिलियन होते हैं, तो 1 करोड़ बराबर जो है 10 मिलियन होते हैं। प्रश्न ई में बताया है 1 मिलियन बराबर कितने लाख होते हैं, तो 1 मिलियन बराबर जो है 10 लाख होते हैं। इस प्रकार से जो है हम रिक्त स्थान को भर देते हैं। प्रश्न संख्या 2, सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। प्रश्न ए में बताया है 73,75,307। तो हम इनको अंकों में किस प्रकार लिख सकते हैं, यानी इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस प्रकार से जो है उनको अंकों को नीचे लिखते हैं। तो इकाई के स्थान पर हम 7 लिखते हैं, दाई के स्थान पर 0 और सैकड़े के स्थान पर 3, फिर बाद में कोमा लगा देते हैं, अल्प विराम लगा देते हैं। फिर जो है आगे 75,000 है तो 75 लिख देते हैं साथ में, और फिर कोमा लगा देते हैं, फिर 73 लिख देते हैं। इस प्रकार हम जो है दाहिनी ओर से हम बोलते हैं तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 73 लाख के पास अल्प विराम लगा देते हैं, 73 लाख 75,307। प्रश्न बी, 9,05,41। तो सबसे पहले इकाई और दाई में जो है 41 हो जाएंगे, सैकड़े के स्थान पर 0 लिख देंगे, फिर बाद में अल्प विराम लगा देंगे, फिर जो है हजार में हजार है ही नहीं हमारे शब्दों में लिखा हुआ तो उसको 0,0 कर देंगे। इसके बाद में 5 लाख लिखा है तो 5,05,000 लिख दिया, इसके बाद में 0 लगाया और आगे 9 लिखा हुआ है तो 9 के पास अल्प विराम लगा दिया। अब इनको वापस पढ़ते हैं तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो 9 करोड़, 9 के पास अल्प विराम लगा दिया, 5 लाख अल्प विराम लगा दिया, और 0,0 हजार है तो फिर हजारों में संख्या लिखी हुई नहीं शब्दों में तो 0,0, इसके बाद में 41। इस प्रकार से जो है सब हम जो है अंकों में लिखते हैं। प्रश्न संख्या सी, 7,52,21,302। ठीक है ना, तो इकाई, दाई और सैकड़ा, पहले 302 है तो 302 लिख दिया, फिर कोमा लगा दी, अल्पविराम लगा दिया, फिर 21,000, फिर 21 लिख दिया साथ में, फिर कोमा लगा दी, 52 लाख, तो 52 लाख के 52 लिख के फिर कोमा लगा दी, और इसके बाद में 7 करोड़ है तो 7 लिख के बाद में अल्प विराम लगा दिया। इस प्रकार से जो है हम इनको अंकों में लिख दिया। वापस हम इनको पढ़ते हैं तो दाहिनी ओर से जो है इकाई, दाई, सैकड़ा, यानी 302, 21,000, 52 लाख और 7 करोड़। प्रश्न डी में 58,423,202। अब हम इनको मिलियन में हैं इसीलिए जो है इनको तीन तीन दाहिनी ओर से जो है तीन तीन अंकों को साथ में लेंगे, यानी पहले 202 है तो 202, यानी 202 हो गए, इसके बाद में अल्प विराम लगा दिया, फिर 423 है तो 423,000 में है तो 423 लगा दिए, फिर
अल्प विराम और 58, तो ये हो गए हमारे 58,423,202। इसी प्रकार प्रश्न ई में दिया हुआ है 23,30,010। तो सबसे पहले इकाई और दाई के स्थान पर हम जो है 10 लिख देते हैं और सैकड़े के स्थान पर जो है 0 लिख देते हैं, फिर बाद में कोमा लगा देते हैं अल्प विराम, इसके बाद में 30,000 है, इसके बाद में 30 को 7 में लिख देते हैं हजारों में, और लाख में जो है 23 लिख देते हैं और बाद में अल्प विराम लगा देते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारी संख्या बनती है 23,30,010। इस प्रकार से जो है हम संख्याओं को अंकों में लिखते हैं। धन्यवाद।